तो हेलो गाइस एंड स्वागत है तुम लोगों का एक और न्यू वीडियो में। एंड बाकी मुझे पता है कि तुम लोग भी पुराने पार्कोर्स को खेल खेल के बोर हो चुके हो एंड अब तुम कुछ न्यू पार्कोर्स को ट्राई करना चाहते हो। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ टॉप 5 पार्कोर मैप्स फॉर माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। एंड यार तुम्हें इसमें काफी अच्छे अच्छे पार्कोर मैप्स देखने को मिलने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके सो नंबर 5 पे है हमारा रैंडम पार्कोर। एंड बाकी इस वाले पार्कोर मैप को स्टार्ट करते ही तुम्हें कुछ इस टाइप की लॉबी देखने को मिल जाएगी एंड यहाँ पे तुम्हें स्टार्ट बटन देखने को मिल जाएगा। एंड बाकी स्टार्ट बटन पे क्लिक करते ही तुम्हारा पार्कोर स्टार्ट हो जाएगा एंड यहाँ से तुम्हें आगे की तरफ चलते जाना है। एंड बाकी फर्स्ट लेवल को पार करते ही तुम लोग ऑटोमेटिकली दूसरे लेवल में आ जाओगे एंड कुछ इसी तरीके से सेकंड लेवल को पार करने पर तुम लोग ऑटोमेटिकली थर्ड लेवल पे आ जाओगे। एंड बाकी इस वाले पार्कोर मैप में तुम लोग अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हो एंड यहाँ पर तुम्हें अपना और अपने दोस्तों का स्कोर भी देखने को मिल जाएगा। एंड बाकी जैसे ही तुम इसमें फिफ्थ लेवल पार कर लोगे देन तुम्हारा गेम कंप्लीट हो जाएगा एंड फिर तुम सिंपली लॉबी में स्पॉन हो जाओगे एंड यहाँ से तुम चाहो तो फिर से अपने गेम को स्टार्ट कर सकते हो। वो तो ठीक है लेकिन मैंने पूछा नहीं था। ओके सो फोर्थ नंबर पे है हमारा सोनिक पार्कोर। एंड इस वाले पार्कोर मैप को स्टार्ट करते ही तुम लोग कुछ इस जगह पे स्पॉन हो जाओगे एंड यहाँ पे तुम्हें डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। एंड बाकी तुम्हें यहाँ पे दो मोड देखने को मिल जाएंगे, डिफॉल्ट मोड और चैलेंज मोड। एंड बाकी तुम्हें इनमें से सिंपली कोई सा भी मोड सिलेक्ट कर लेना है एंड देन तुम अपना पार्कोर स्टार्ट कर सकते हो। एंड बाकी मेरे जैसे प्रो प्लेयर के लिए तो ये पार्कोर बहुत ही सिंपल है। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद। एंड बाकी कुछ इसी टाइप से तुम्हें इस पार्कोर को करते जाना है एंड डिफॉल्ट मोड में तुम्हें इसमें चेक पॉइंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। एंड बाकी सारे पार्कोर्स को करते हुए तुम्हें कुछ इस जगह पे पहुंच जाना है एंड यहाँ पे पहुंचते ही तुम्हारा पार्कोर कंप्लीट हो जाएगा एंड देन तुम्हें सिंपली इस बटन को दबा देना है जिससे तुम अपनी स्पॉन लोकेशन पे पहुंच जाओगे। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला बताओ। ओके सो नंबर 3 पे हमारा ओलंपिक पार्कोर। एंड इस वाले पार्कोर में तुम लोग कुछ इस जगह पे स्पॉन हो जाओगे एंड इसमें तुम्हें तीन टाइप के पार्कोर देखने को मिल जाते हैं, फन पार्कोर, निंजा वॉरियर एंड जंप एंड रन। एंड बाकी अगर तुम निंजा वॉरियर वाले पार्कोर को सिलेक्ट करोगे देन तुम कुछ इस जगह पे स्पॉन हो जाओगे एंड यहाँ से तुम्हें अपने पार्कोर को करते हुए आगे की तरफ बढ़ते जाना है। एंड बाकी वाले पार्कोर बहुत ही सिंपल है तो तुम इन्हें आराम से कर पाओगे एंड अगर तुम मेरे जैसे प्रो हो तो तुम इन्हें बहुत ही इजीली कर पाओगे। एंड यहाँ अगर तुम नीचे गिर जाते हो देन तुम्हें सीढ़ी लेके ऊपर चले जाना है। एंड बाकी निंजा वॉरियर वाले पार्कोर में तुम्हें कुछ इतने लेवल्स को पार करते हुए आगे की तरफ बढ़ते जाना है एंड कुछ इस जगह पे पहुंचने पर तुम्हारा पार्कोर कंप्लीट हो जाएगा। एंड बाकी फन पार्कोर को सिलेक्ट करने पर तुम्हें कुछ इस टाइप से पार्कोर देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ से पार्कोर करते हुए तुम्हें आगे की तरफ बढ़ते जाना है। एंड बाकी आगे की तरफ बढ़ते हुए इस वाले पार्कोर में तुम्हें इलाइट्रा वाला पार्कोर भी देखने को मिल जाएगा जिसको तुम्हें कुछ इस तरीके से पार कर लेना है। एंड बाकी जंप एंड रन वाले पार्कोर को सिलेक्ट करने पर तुम्हें कुछ इस टाइप से एक नॉर्मल पार्कोर देखने को मिल जाता है जिसको तुम बहुत ही आसानी से पार कर सकते हो। एंड बाकी इस पार्कोर को तुम लोग गेम में जाके ट्राई करना। साले मजाक बना के रखते हो भाड़। ओके सो नंबर 2 पे हमारा इजी टू हार्ड पार्कोर। एंड इस वाले पार्कोर मैप में स्पॉन होते ही तुम्हें पार्कोर मैप का नाम भी देखने को मिल जाएगा एंड या जैसा कि इस पार्कोर मैप के नाम से पता चल रहा है तुम्हें पहले इसमें इजी पार्कोर देखने को मिल जाएगा एंड फिर ये धीरे धीरे हार्ड होता जाएगा। एंड बाकी तुम लोग देख ही सकते हो कि ये वाले पार्कोर मैप में तुम्हें काफी लंबा पार्कोर देखने को मिल जाता है एंड बाकी कुछ इस जगह पे पहुंचने पर तुम्हारा ये पार्कोर फिनिश हो जाएगा एंड यहाँ पे मेरे लिए कांग्रेचुलेशन लिखा हुआ है। एंड इन लोगों को क्या पता कि मैं यहाँ पे क्रिएटिव मोड से आया हूँ। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ओके सो नंबर 1 पे हमारा पार्कोर पिरामिड। एंड बाकी इस वाले मैप में तुम लोग कुछ इस जगह पे स्पॉन हो जाओगे एंड यहाँ से तुम टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हो। एंड बाकी पार्कोर को स्टार्ट करने के लिए तुम लोगों को कुछ इस जगह पे आ जाना है एंड यहाँ से तुम्हें नीचे की तरफ जंप लगा देनी है। बाकी जंप लगाते ही तुम्हें अपने पार्कोर मैप का नाम भी देखने को मिल जाएगा एंड बाकी नीचे की तरफ पहुंचते ही तुम लोगों को स्विम करते हुए इन स्टेयर्स के ऊपर चढ़ जाना है। एंड बाकी स्टेयर्स के ऊपर चढ़ते ही तुम्हारा ये पार्कोर स्टार्ट हो जाएगा। एंड बाकी ये पार्कोर तुम्हें सिंपल सा देखने को मिल जाता है तो तुम इसे खेलते हुए फ्रस्ट्रेट भी नहीं होगे। एंड बाकी इस वाले मैप में तुम्हें बहुत सारे अलग अलग पार्कोर देखने को मिल जाते हैं तो तुम्हें इन्हें कंप्लीट करते हुए ऊपर की तरफ चलते जाना है। एंड बाकी जैसे जैसे तुम इन पार्कोर्स को पार करते जाओगे देन तुम कुछ इस जगह पे पहुंच जाओगे। एंड बाकी ऊपर पहुंचने के बाद जैसे तुम इस प्रेशर प्लेट पे चलोगे देन तुम्हें कांग्रेचुलेशन देखने को मिल जाएगा। एंड बाकी तुम्हें यहाँ पे एक बटन देखने को मिलेगा जिसको दबाने के बाद तुम्हारे सामने पार्कोर मैप का कटसीन चालू हो जाएगा एंड इस छोटे से कटसीन के बाद तुम लोग अपनी स्पॉन लोकेशन पे पहुंच जाओगे। खत्म। तो यहाँ गए सारे मैप्स मैंने तुम्हें बता दिए हैं, इनकी डाउनलोड लिंक तुम्हें पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगी एंड बाकी तुम्हें इसमें से कौन सा पार्कोर अच्छा लगा कमेंट करके बताओ। एंड बाकी अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।